के मुताबिक इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन से क्रॉस कर चुके हैं और आने वाले टाइम में ये मजीद आगे की तरफ जाने वाले हैं 2-3 मंथ में। पाकिस्तान अपने लोगों को वादा किया 1947 में कि हम जो है एक इस्लामिक मुल्क बनाएंगे और इस्लामिक मुल्क के नाम पे उनको पकड़ा दिया, जिसे हम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज बट लेट मी यूज इट फॉर द फन, बाबा जी का ठुल्लू। वीडियो नहीं आती, छोटे बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, वो बोलता है आई वांट टू बिकम एन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। ये आप बच्चों में बचपन से ही सोच डाल रहे हैं तो आगे जाके क्या सोचेगा, ठीक हो गया। वो क्या कहेगा कि इंडिया को मारो यार, कुछ करते हैं। यही चीजें आपको टेररिज्म की तरफ, हेट्रेड की तरफ, यही चीजें लेके जा रहे हैं। आपके पास पॉलिटिकल इंतजार है, आपकी इकोनॉमी जो है ना वो उसके घुटने लगे हुए हैं, गुर्बत की ये हालत है कि रोटी जो 8 रुपए की थी आज 25 रुपए की है। उस तरफ नहीं आप देखते कि क्या टेररिज्म उसकी वजह से भी बढ़ सकता है या सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ से बढ़ रहा है। कि चीन की तरक्की में फौज ने 60s में और 70s में किरदार अदा किया, खुद पाकिस्तान की उन्होंने मिसाल दी कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जिसकी वजह से हम खुराक के अंदर खुद किफालत की तरफ चले, उसकी वजह भी बुनियादी तौर पे उसमें भी फौज ने अपना किरदार अदा किया होगा। ग्रीस ने जब एक ईरानियन को पकड़ा था जो कि ज्यूइश एस्टैब्लिशमेंट्स पे या ज्यूइश जो बिजनेस इंटरेस्ट थे उस पे अटैक कर रहा था, तो उनकी जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी तो उस बंदे ने पूरा का पूरा जो एक्सप्लेन किया कि कैसे ये पूरा नेटवर्क काम करता था ज्यूइश जो रिच ज्यूइश बिजनेस इंटरेस्ट थे उन पे अटैक करने का, उसने कहा कि इसमें हमारा सबसे बड़ा साथी जो था वो ISI था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ा इतिहास जो है वो भारत ने रचा है। दोस्तों भारत ने 600 बिलियन डॉलर जो भारतीय रिजर्व है उसको बढ़ा के वहाँ तक पहुँचा दिया है। दोस्तों आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ी रकम जो है वो भारत ने अपनी जो रिजर्व है उसमें बढ़ाया है। दोस्तों इस न्यूज के आने के बाद भारत में तो बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर बात तो हो ही रही है, लेकिन पाकिस्तान में भी हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अभी अगर बात की जाए तो 2-3 बिलियन डॉलर ही पाकिस्तान के जो रिजर्व है उसमें रखे हुए हैं, और अब भारत की बात की जाए तो अभी भारत की रिजर्व जो है वो 600 बिलियन डॉलर से भी ऊपर चला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत पाकिस्तान से कितना ज़्यादा जो है वो फॉरेन करेंसी में भी कितना ज़्यादा जो है वो मजबूत यहाँ पे दिख रहा है। और आज यही वजह है कि पूरी दुनिया जो है वो भारत पर इसी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी करती है कि भारत के पास इतना ज़्यादा रिजर्व है कि कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दोस्तों पाकिस्तान में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि जो रिजर्व है वो किसी देश के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो होता है, और भारत का इस तरीके से 600 बिलियन डॉलर से पार हो जाना ये भारत के लिए अच्छा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। फॉरेक्स रिजर्व की बात की जाए, हमारे पाकिस्तान की, इवन बांग्लादेश की बात की जाए, हमारे पास 3-4 बिलियन डॉलर ऑलमोस्ट मौजूद हैं, जबकि बांग्लादेश के पास 50+ हैं। और इसके अलावा इंडिया की बात करें, अभी रिपोर्ट आई थी कि उनके पास 600+ बिलियन की अगर बात करें, बिलियन डॉलर की बात करें, वो मौजूद हैं। 650 की कोई बात करता है, कोई 600+ बिलियन डॉलर की बात करता है। इतना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज़ में, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? लाइक अब हम स्टूडेंट्स हैं खुद, हमें इतना कुछ पता नहीं ना, हमने अपनी हिस्ट्री इतनी पढ़ी हुई है, ठीक है। वेल जितना हम कह सकते हैं कि हमारे लीडर्स सही नहीं है, ठीक है। लाइक शुरुआत से हमें करप्शन का माहौल मिला है। अब जैसे हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे कजन्स भी, या कोई हमारी तरफ से गवर्नमेंट जॉब्स में जा भी रहा है ना, वो यही सोच रहा है पगार इतनी मिलनी है 50-60 हज़ार, उससे ज़्यादा जाना नहीं है। अच्छा, तो करेंगे इसे जुगाड़ के, से 50 हज़ार तो हमारे ऐसे ही गुजर जा रहे हैं पढ़ाई में। एक महीने में एक सेमेस्टर की फीस कितनी है वो अगर जाहिर सी बात है, एक सेमेस्टर की फीस इतनी है, बंदा बचेंगे क्या अगर 60 हज़ार कमा रहा है? वो अपने बच्चे को खिलाएगा क्या, पिलाएगा क्या? तो वो इसी साइड जा रहा है कि करप्शन के लिए कमा लूँ। करप्शन यानी कि जॉब को तो एक सामने फेस टू रखने की जरूरत है, उसके बाद जो कमाया जाएगा वो करप्शन से ही कमाया जाएगा। ज़्यादातर जो माइंड सेट बन जाता है वो ये बन जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे कि 50-60 हज़ार पहले तो जॉब मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके बाद 50-60 हज़ार की जॉब और एक सेमेस्टर की शायद इतनी फीस होती है, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो इस टाइम सिस्टम है, खासतौर पर पोलिटिकल सिस्टम की बात की जाए, इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए, आपको लगता है कि हम जिस तरह दूसरे कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उनके फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे हैं, हमारे भी इस तरीके से कोई बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद नज़र आ रही है? फिलहाल तो कुछ ऐसा देख नहीं रहा, क्योंकि बाहर मुल्कों में तो वेजेस सेट किए उन्होंने कि मिनिमम वेज इतना है कि आप कोई भी काम करते हो मिनिमम वेज हम इतना देंगे, ठीक है। इधर भी है वैसे सेट है 25,000, लेकिन कोई फॉलो कर ही नहीं रहा, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है कि मिनिमम वेज है क्या अभी यहाँ पे। तो जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना हुआ है बाहर मुल्कों में, उनको पता है कि एवरेज सैलरी हमारी
कुछ 25 से 30 डॉलर पर आर है कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बंदा है कि कोई 50,000 कमा रहा है तो कोई 10 में भी तैयार है काम करने के लिए, मतलब कोई बार सेट ही नहीं है ना कुछ, मतलब एक लिमिट होती है कि इतनी रेंज में हम लोग सैलरी देते हैं या कुछ फिक्स वो चीज़ नहीं है। अच्छा मुझे बताएं आप एज ए पाकिस्तानी, एज ए यहाँ सिंध की अगर बात करें क्या, और ख़ास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें, एज ए हिंदू पाकिस्तानी यूथ क्या समझते हैं इंडिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, और 1 अरब 50 करोड़ ऑलमोस्ट 40-50 करोड़ की आबादी है, वो सब को इस तरीके से लेके ना सिर्फ चल रहे हैं बल्कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम 25 करोड़ को नहीं लेके चल पा रहे प्रॉपर, क्या रीज़न क्या समझते हैं आप? यार देखो यार, यूनिटी नहीं है अपनी, बाकी कंट्रीज़ में चलो इंडिया की बात की जाए, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो हमसे तो थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो उनकी भी सेम सिचुएशन है पॉलिटिकल, उधर भी करप्शन है, उधर इतना करप्शन नहीं जितना हमारा है, उनका करप्शन सिटीज़ में ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, रूरल में चल रहा है, मतलब ट्राइबल एरिया जैसे वडेरा हो गया, वो वहाँ पे भी यही सेम निज़ाम है पर वो रूरल में, उन्होंने अपने सिस्टम को खास तौर पे जो मेन सिस्टम है मेन सिटीज़ है डिजिटलाइज कर दिया, उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव कर दिया है, आपकी ऑफिशियल बिल्डिंग्स है जो आपके ऑफिशियल ऑफिस हैं वो आपने बिल्कुल बेहतरीन कर दिए हैं, यहाँ पर बिल्कुल निज़ाम नहीं है, यहाँ पे आप जाओ नादरा में आपको काम हो जाएगा आपका, और वो कहेंगे 30 दिन लगेंगे आपको, ऊपर साइड में पट्टी वाला बोलेगा 2500 दो 3 दिन में काम करके दूंगा, ठीक है। नहीं इस बात में कोई शक नहीं कि करप्शन दुनिया के हर कंट्री में होगी ऑलमोस्ट, इवन इंडिया में भी करप्शन होगी, पाकिस्तान में भी होगी, लेकिन करप्शन का लेवल क्या है ये चीज़ नोट करने की ज़रूरत है, और बड़ी चीज़ ये नोट करने की ज़रूरत है आप करप्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये एक आपका इंटरनल मैटर है हर कंट्री का, लेकिन डेवलपमेंट कौन सा कंट्री कर रहा है ये इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाता है। बांग्लादेश की अगर बात करें या आपसे अगर पूछूं, आपका नाम क्या था, सॉरी सुमित, आप भी हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं क्या समझते हैं अगर इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, अभी जो खबर आ रही है कि $6 बिलियन की जो उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? यही है कि क्या कहते हैं, यहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं करते, जैसे कोई टैलेंट हो या किसी कोई बंदे में स्किल्स हो तो उसको इतना ऊपर नहीं जाने देते, जैसे कोई बंदा अगर कोई AI स्पेशलिस्ट हो या जो भी हो, इतनी जॉब्स भी यहाँ अवेलेबल नहीं है, आप इंडिया में जाए, इंडिया में IT की बहुत सारी स्कोप बना हुआ, पूरा उनका फिर एक नाम है ना, पूरा एक बना हुआ है उनका, डेवलप हुआ हुआ है पूरी एक कंट्री, एक मतलब उनका एक पूरा निज़ाम चल रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस पर डिबेट कर रही है, पाकिस्तान की पब्लिक का यही कहना है कि हमें शुरू से ही इस तरीके से हमारा जो माइंडसेट है वो बदल दिया गया है कि हम जो है वो काम करने पे नहीं बल्कि टेररिज्म करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से शुरू से ही अमेरिका से डॉलर लेकर अफगानिस्तान में जो कुछ भी किया वो सब जो है वो आज कहीं ना कहीं आज वही TTP पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को मार रही है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो ख़राब काम किए थे आज उसी का जो खवियाजा है वो पाकिस्तानी आर्मी भुगत रही है, और दोस्तों इसीलिए पाकिस्तान में जो है वो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ, पाकिस्तान के पास आज पैसे नहीं बचे हैं क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही अपने आप को ऊपर आने के लिए काम नहीं करता है, बस सिर्फ और सिर्फ जो देश जो है वो आगे बढ़ रहा है उसको दबाने के लिए जो है उसको नीचे दिखाने के लिए काम करता आ रहा था, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान जो है वो $1-2 बिलियन के लिए जो है वो पूरी दुनिया से और IMF के सामने जो घुटने हैं वो टेके हुए हैं कि कहीं से भी उसको पैसे मिल जाए। दोस्तों इस आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL News को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक देखते रहिए INL News।